हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लगाए हैं शिव डीजल की उषा वाली पिश्तीन। और ये सारी किट आती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाटा इंडिका विस्टा क्वार्टर जेट और शिव डीजल, ये दोनों एक ही इंजन है। तो ये पिश्तीन दोनों इंजन के लिए है। तो सब में पहले आप यहाँ देखेंगे एक पिश्तीन, दो पिश्ती, दो गजन पिन के लॉक और एक गजन पिन और तीन रिंग्स, और ये हुआ उसका कनेक्टिंग रॉड। अभी हम इस बॉक्स को खोलेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, आपको बताएंगे। तो जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं तो सब में पहले हमें मिलेगी यहाँ पे एक गजन पिन जो बढ़िया तरीके से फिनिशिंग रहे, और इसके बाद एक सर क्लिप वाला पॉकेट जिसमें दो सर क्लिप हैं जो पिस्टन पिन को लॉक करने के लिए, और ये है इसका पिस्टन। अभी ये पिस्टन हम इस पेपर से निकालेंगे। तो ये रही पिस्टिन, ओ तो ये तो बढ़िया फिनिशिंग है और अच्छी क्वालिटी है। ऊपर नाम लिखा है उषा, और आप देख सकते हैं ये साइज़ है, ये मतलब स्टैंडर्ड साइज़ है ये। तो आपने इस पिस्टिन को देख लिया, अभी हम निकालेंगे इसमें से पिस्टिन रिंग्स जो साइड में इधर पे रखा हुआ है। अभी हम इस पॉकेट को खोलेंगे। तो अभी हम इसमें से निकालने के बाद एक पैक और अंदर है, तो इस पैक को भी हम ओपन करेंगे। तो सब में पहले इस पैक पे जो है वो देखेंगे, स्टैंडर्ड साइज़ है। तो अभी हम इस पैक को फाड़ कर इसके बाहर रिंग्स निकालेंगे। तो ये हुए तीन रिंग्स, एक ऑयल वाला, एक कंप्रेशर सपोर्ट रिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं उषा नाम लिखा है, और ये टॉप कंप्रेशर रिंग है। तो आप देख सकते हैं जो टॉप कंप्रेशर रिंग है का पॉइंट है, जो कंप्रेशर सपोर्ट रिंग है वो वाइट कलर का है। अभी ये हुआ ऑयल रिंग, इसके बीच में एक स्प्रिंग है और यहाँ पे भी एक पॉइंट मार्क है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। तो चलो सब में पहले शुरू करते हैं कि कनेक्टिंग में पिस्टन हम कैसे फिक्स करेंगे और इस लॉक को भी इस पॉकेट से निकाल लेते हैं। तो ये हो गए लॉक, अभी हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और ये गजन पिन, अभी देखिए सब में पहले पिन बिठा के इस तरह से हमको कनेक्टिंग में चेक करना है ताकि ये कोई ज़्यादा प्ले ना हो। अगर ज़्यादा प्ले होगा तो आपकी इंजन में ये साउंड आ जाएगा, ये थोड़ा हल्ला मचा सकता है। तो पिन पिस्टन में भी हम इसी तरह से चेक करेंगे। तो बढ़िया है, सब क्लियरेंस बराबर है, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि जब ऑयल लगाएंगे तो ये आसानी से फिक्स हो जाएगा। अभी पिन पिस्टन में बिठाने के बाद अभी हम कनेक्टिंग रॉड को उठाएंगे और इसका डायरेक्शन चेक करेंगे। अभी आप डायरेक्शन के लिए मैं एक मार्क बताऊंगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टिंग पे एक नंबर है और पिस्टन पे यहाँ पे एक कटिंग है, इस लेवल पे आपको पिस्टन को बिठाना है। बिठाने के बाद आप कनेक्टिंग सेंटर देख के गजन पिन उसमें अंदर ढकेल सकते हैं, जैसे कि अभी ये चला गया। अभी जाने के बाद कंफर्म करना है कि डायरेक्शन सही है। होने के बाद अभी आप इसको एक तरफ सर क्लिप बिठा के लॉक कर दें। आप सर क्लिप बिठाने के लिए किसी बारीक स्क्रू ड्राइवर या किसी बारीक खम्बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिठाते वक्त थोड़ा ध्यान से, नहीं तो ये आपकी उंगली में भी चुभ सकता है। आप इसको इस तरह से बिठाना है और बिठाने के बाद एक बार चेक करना है कि ये ठीक से बैठा हुआ है या नहीं। तो हमने इस तरफ इसको इस तरह से बिठा दिया। अभी हम इसके दूसरी तरफ बिल्कुल इसी तरह हम बिठाएंगे। इस सर क्लिप को बिठाने के बाद आप चेक कर सकते हैं पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड, गजन पिन और लॉक ठीक से बैठे हुए या नहीं। चेक करने के बाद आप अभी इसमें रिंग्स बिठाने के लिए तैयार रख सकते हैं। तो चलिए अभी हम रिंग्स बिठा के इसको बताते हैं।
और इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको। अभी ये नंबर तो हो गया कनेक्टिंग रॉड का, और दूसरा ये कटिंग भी हो गई, और तीसरा जो है यहाँ का एरो मार्क, जो इसको हम एक मार्क टेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो ये टेमिंग साइड में होता है। तो अभी ये हो गया है, अभी जो है हम इसमें रिंग्स बिठाएंगे। तो सबसे पहले हम जो ऑयल रिंग में जो स्प्रिंग रहता है, हम उसको इस तरह से बिठाएंगे, और उसका जो डायरेक्शन है वो पिस्टन की कटिंग की तरफ इसकी कटिंग आएगी, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक पॉइंट मार्क है जहाँ आपको ये ऑयल रिंग की कटिंग बैठेगी। आप इसको उल्टा और सीधा चेक करके बिठाना पड़ेगा। इस तरह से ये रिंग देख सकते हैं कि किस तरह से ओपन हो रही है। आपको हल्के से ओपन करके इसको उस स्प्रिंग पे बिठा देना है। इसको बिठाते वक्त थोड़ा आराम से बिठाना, वरना ये रिंग कट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको हल्के से बिठाना है। तो ये रिंग बैठ गई है। अभी इसके बाद जो कंप्रेशर सपोर्टिंग है, हम उसको बिठाएंगे, जो वाइट मार्क का है। हम इसको भी आहिस्ता से इस तरह से बिठा लेंगे, लेकिन ध्यान में रखिए, आप जो भी रिंग बिठाते हैं वो उल्टा और सीधा आपको देखकर बिठाना है। अभी ये येलो पेंट का रिंग है, टॉप रिंग, आप इसको भी देख सकते हैं, इसके ऊपर एक नंबर है जो ऊपर की तरफ है, यही सीधा है। इस तरह से आपको इसको भी बिठा लेना है, और बिठाने के बाद आपको रिंग्स घुमा के चेक करना है कि ये रिंग्स फ्री है या टाइट है। नई पिस्टन है तो ये फ्री ही होंगे। तो आपने कनेक्टिंग बिठा लिया, पिन बिठा लिया, लॉक, कनेक्टिंग का डायरेक्शन और पिस्टन रिंग्स आपने सब बिठा लिया है। अभी हम बताएंगे आपको रिंग्स डिवाइडिंग के, रिंग्स डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको वापस इसी होल की तरफ आना है जो पिस्टन की कटिंग है। पिस्टन की कटिंग के अपोजिट देख सकते हैं आप, ये कटिंग है, इसके अपोजिट आपको इस रिंग को इस तरह से रखना है जो ऑयल रिंग है, और जो सफ़ेद मौला रिंग है उसको इस तरह से इसके बीच में आना चाहिए, और जो टॉप रिंग है इसको उसके ऑपोजिट में इस कोने पे रखना है। तो हम तीनों रिंग डिवाइड करने के बाद इसका डिज़ाइन वाई शेप में आना चाहिए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है और यहाँ पे दूसरा, अभी बिल्कुल उसके ऑपोजिट में यहाँ पे ये जो है ये तीसरा। देखिए आपको ऊपर से जब देखेंगे ये पिस्टन, तो आपको ये वाई शेप में डिवाइडिंग आएगी। अभी मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन बताऊँगा, उस डायरेक्शन पे रख के आपको इसको लोड कर देना है।